सबसे पहले तो आप सभी प्रेस के जो बंधु पधारे हैं उनका मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में, वैसे तो 4 बजे जनरली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं परंतु अभी 12:30 बजे रखी गई। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि 26 तारीख अभी नरेंद्र मोदी जी का शासन काल रहा हो, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष रूप से कार्य किया। ऐसे हम सरकार की योजनाओं का जिक्र जब करते हैं तो हम शौचालय की व्यवस्था के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इस स्वच्छ भारत अभियान में हर घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा यदि लाभ मिला है तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के बांधवों को मिला है, और उसके पीछे कारण यह है क्योंकि बहुत से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो अभाव में रहने के कारण से शौचालयों का निर्माण नहीं करा पाते थे और परेशान होती थी उन घर की महिलाएं, और उसके कारण से जब ये योजना आई तो हजारों घरों में शौचालयों का निर्माण हुआ, और शौचालयों का निर्माण होने के बाद आज वो महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि वो इज्जत घर के रूप में उस शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। स्वच्छ भारत अभियान का सबसे अधिक लाभ यदि मिला है तो वो अनुसूचित जाति की बस्तियों को मिला है, क्योंकि उन बस्तियों पर कोई सफाई की ओर ध्यान नहीं देता था, और इस अभियान के कारण से वो बस्तियां भी अब साफ सुथरी रहने लगी हैं। और आप भी देख सकते हैं कि जितनी कच्ची बस्तियां, छोटी बस्तियां, वो भी आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुई हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। इसी तरह से जब हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का चूल्हा और जो सिलेंडर मिला है, वो गैस का और चूल्हा और सिलेंडर उस महिला को धुएं से बचाने का काम किया है जो दिन रात लकड़ी के चूल्हे में या कोयले के चूल्हे में अपना भोजन पकाती थी, और अब वो स्वच्छ ग्रीन चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं, और जिसका सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिला है। हमेशा से ही कांग्रेस ये डरा डरा करके कहती हुई आई है कि आरक्षण यदि लागू किया है तो वो कांग्रेस ने लागू किया है, इस नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं का वोट लेती आई है, उनको अपना वोट बैंक समझती आई है। पर मैं आज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अब सारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये बहुत भली भांति से समझ गए हैं कि आरक्षण यदि हमको किसी ने दिया है तो वो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। जिन भीमराव अम्बेडकर जी को कभी कांग्रेस ने लोकसभा में जीत कर नहीं जाने दिया, दो बार वो कोशिश करी उन्होंने लोकसभा में जीत करके जाने की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने उनको हराया, उनको लोकसभा में जीत कर नहीं जाने दिया। और जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस मंत्रिमंडल के गठन में बाबा साहब का स्थान नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी जी के दखलंदाज के बाद में माननीय हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें इस मंत्रिमंडल में अम्बेडकर जी का नाम क्यों नहीं है, ये चुनी हुई सरकार बाद में है लेकिन पहले ये देश की सरकार बनी है, इस देश की सरकार में अम्बेडकर जी मंत्री होने चाहिए, और उनके दखल के बाद में फिर अम्बेडकर जी को मंत्री बनाया गया। अम्बेडकर जी को भारत रत्न के लिए कब से लोगों का मांग था कि अम्बेडकर जी की मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया जाए, लेकिन भारत रत्न उनको नहीं दिया कांग्रेस के ने, और क्योंकि वो उनको सम्मान नहीं देना चाहती थी। अटल जी के प्रयासों से बाद में अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला, और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन से जुड़े हुए सभी पांचों स्थानों को, चाहे वो उनका जन्म स्थली हो, चाहे उनके विद्या अध्ययन का स्थान रहा हो, चाहे दिल्ली में उनकी कर्म भूमि रही हो, चाहे बॉम्बे में उनका अंतिम संस्कार का स्थान रहा हो, चाहे नागपुर जो उनकी दीक्षा भूमि रही है, उन सब स्थानों को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, उनको स्मारक के रूप में बनाया है, और उनको पंच तीर्थ नाम दिया है। देखिए, नाम के पीछे भी भावना कितनी बड़ी है कि उन स्थानों को तीर्थ के रूप में पूजनीय बनाया है, और वो केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही संभव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में पदोन्नति की बात जब उठी तो उन्होंने संशोधन किया उसमें, है ना, और जब ये बात आई कि किसी तरह से उन बंधु बांधवों को नौकरियों में किस तरह से वो आगे बढ़ा सकते हैं, तो अंकों की शिथिलता की जब बात आई तब 82वां संशोधन किया गया, 85वां संशोधन, संविधान संशोधन करके, ये दोनों संशोधन जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित समय में ही ये संशोधन हुए हैं, कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की और ना ही उसकी कोशिश करी। पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिना जांच के हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति के एक्ट में,
तब पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को भी संविधान संशोधन करके पुनः लागू किया। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो, अनुसूचित जनजाति के हितों को संरक्षित करने वाली सरकार है। और इस जाति के, इस जनजाति के लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठ सकता है, कैसे उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनमें शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगी। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं, बिल्डिंग नहीं, पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं, तो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कौन उनको पढ़ाएगा? और जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आरक्षण का लाभ कौन लेगा? किसी को नहीं मिलने वाला है। तो चाहते यही थी कांग्रेस कि इस वर्ग के लोग पढ़े लिखे ना बने। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान नाम से योजना चलाई और सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, बिल्डिंग्स बननी चाहिए। आज सरकारी विद्यालयों में जो बिल्डिंग बनी है उनको देख करके हम कह सकते हैं कि नहीं, ये बच्चों के पढ़ने के लायक बिल्डिंग है और उनमें बैठाया जा सकता है बच्चों को। भोजन की व्यवस्था करनी हो तो ये अटल जी के सरकार के समय में शुरू हुआ, पानी की व्यवस्था करनी हो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शुरू हुआ, और अभी बहुत सारे ऐसी योजना बना करके विवेकानंद मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, उन आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में यदि 12वीं तक का विद्यालय खुला है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुला है। क्योंकि हम यदि ये बात करते हैं कि विद्यालय से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का क्या मतलब है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति के बंधु बांधव सरकारी विद्यालयों में अधिकतर जाते हैं क्योंकि गरीब हैं, पैसे का अभाव होता है, और उस कारण से अधिकतर बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं। यदि सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगी तो वो बच्चे बड़े होकर के गुणात्मक शिक्षा अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था हो, इसका सबसे अधिक फायदा यदि मिला है तो वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिला है। इसलिए ये सब चीजें सिर्फ कांग्रेस इसलिए कह रही है क्योंकि कांग्रेस को अब डर लग रहा है, कांग्रेस को अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है कि जिसको वो अपना वोट बैंक मांगती थी वो वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसकने लगा है। पढ़ा लिखा युवा, अनुसूचित जाति जनजाति का पढ़ा लिखा युवक और युवती अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुए हैं और उनको लगा है कि यदि हमारा भविष्य कोई सुरक्षित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षित कर सकती है। नौकरियों में यदि बैकलॉग को भरने की बात हो तो माननीय वसुंधरा जी ने पिछले कार्यकाल में भी पूरा किया, इस कार्यकाल में भी पूरा किया, और केंद्र सरकार में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100% बैकलॉग को भरा है। इसी प्रकार से जो विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों में, जो हिंदुस्तान भर में जितने प्रकार के विश्वविद्यालय, उन सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, ये पहली बार हुआ है। इसलिए माननीय थावरचंद जी गहलोत यहाँ पधार रहे हैं और बहुत अच्छा एक बड़ा सम्मेलन इस स्थान पर शाम को 3 बजे 26 तारीख को आयोजित होने वाला है, जो केंद्र सरकार ने सामाजिक रूप से इस वर्ग को उठाने की बात कही है, सामाजिक रूप से इस वर्ग को आगे बढ़ाने की बात कही है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जो बात करी है, और ना केवल बात करी, योजनाओं के माध्यम से उनको लागू करने की कोशिश की है, उन सब चीज़ों के लिए माननीय थावरचंद जी बेसब यहाँ पर आने वाले हैं। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ आप सभी को कि आपने जो कुछ भी इन वर्षों में देखा है और जो कुछ योजनाएं उनके इन वर्षों में लागू हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो सब योजनाएं अनुसूचित जाति के बंधुओं को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, इतना ही कहकर के मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी, जिनको एक बार दोबारा हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए अति उत्साहित हो रहे हैं, और इसके लिए जो नरेंद्र भाई मोदी ने अनुसूचित जाति के तबके को, जो उनका जीवन स्तर उठाने के लिए जो जो कार्यक्रम के कई विभिन्न कार्यक्रम के, जैसे अभी हमारे मैडम ने बताया है विस्तृत रूप से, तो उसको निर्णायक भूमि अदा करने के लिए ये एक महासम्मेलन जो विजय संकल्प संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें थावरचंद जी भाई साहब पधारेंगे, वो इसको संबोधन करेंगे, और मैं इस अपना इतना कह के अपना विराम देता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। वैसे तो बहुत कुछ माननीय है अनिता जी ने आपको बताया, मगर फिर भी कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि ये बात तो सत्य है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे, मगर सबसे दुख की बात इस देश में ये थी
जिस संविधान से देश चल रहा था, जिस संसद में और नेताओं की तो तस्वीरें थी, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तेल चित्रवान नहीं लगा हुआ था, वो भी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के आंदोलन के परिणाम स्वरूप और हमारी सरकार के समय वो तेल चित्र संसद में लगा। यही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ मऊ में पैदा हुए और उस मऊ में जहाँ उनका जन्म स्थान है, उसके विकास के लिए कभी भी कांग्रेस सरकार ने सोचा नहीं। वहाँ भी उस विकास के लिए और वहाँ पीठ बनाने के लिए जो काम हमारे सरकार में सुंदर सिंह जी पटवा जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया, और अब नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको और विस्तार दिया। यही नहीं, राजस्थान की भी जहाँ हम बात करते हैं तो राजस्थान की बात के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय वसुंधरा जी राजे जी ने जो अपने शासन काल में अम्बेडकर जयंती के लिए जब पूरे प्रदेश में उनकी जयंती के दिवस के रूप में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सब जगह, मगर कांग्रेस की सरकार आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने भुला दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अनुसूचित जाति की बात को लेके हमारे कांग्रेस के भाई या बंधु बातें करते हैं लंबी चौड़ी, उन्होंने कभी भी इस वर्ग को जो स्थान मिलना चाहिए, जो इनकी शिक्षा होनी चाहिए, जो इनका उत्थान होना चाहिए और जो इनके जो सर्वमान्य नेता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनके लिए कभी भी कोई ऐसी बात जिसको कह सकते हैं कि चीर स्थायी हो जाए और हमारे इस भारतीय इतिहास, लोकतंत्र के इतिहास में वो अंकित हो जाए, ऐसा कोई भी काम उनको करने की कभी सूझी नहीं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सब किया, चाहे भीम ऐप के नाम से किया, चाहे और भी बहुत उनके नाम पे सिक्का भी चलाया, ये सब बातें हैं जो ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के बंधुओं के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं यही इस मौके पर कहना चाहूँगा।